ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खुशहाल हरियाणा देख रहे हैं आप। इसमें हम बात करते हैं सीएम मनोहर लाल की तमाम योजनाओं की, जिसकी वजह से प्रदेश खुशहाली के पद पर अग्रसर हो रहा है और देश में अग्रणी राज्यों में प्रथम स्थान पर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए बताएं आपको, सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास के पद पर अग्रसर है। प्रदेश में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बीते 9 सालों में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास के कई आयामों को स्थापित किया है। इस दौरान न केवल हरियाणा में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, बल्कि लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर भी जोर दिया गया है। देखिए, छब्बीस अक्टूबर 2014 मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा की कमान संभाली थी। 2014 से शुरू हुआ बीजेपी के शासन का सिलसिला 2023 में 9 साल पूरे कर चुका है। 2014 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। नए नए काम हो रहे हैं, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बीते 9 सालों में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जनहित के काम भी किए जा रहे हैं। लोगों के समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर दिया गया है। दिवाली से पहले सीएम मनोहर लाल ने बड़ा धमाका किया, जिससे न केवल सूबे के लोगों का भला हुआ है, बल्कि उनके विपक्षी चारों खाने चित हो गए हैं। हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 10 जिलों की 190 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इसका मकसद इन कॉलोनियों को कानूनी दर्जा देना है और साथ ही व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन कॉलोनियों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 1400 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नगरीय क्षेत्र और टाउन कंट्री प्लानिंग, इस क्षेत्र की कुछ कॉलोनीज को एक समझो किश्त और इसकी फेज 4 कहें इसको, तो इसकी रिकमेंडेशन हुई है इसको अप्रूव करने की। इसमें सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय, इसकी 90 कॉलोनियों को और अप्रूव किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा है 25 यमुनानगर की और 17 फरीदाबाद की, 15 पलवल की, 12 झज्जर की, ये 10 से ऊपर है, बाकी जिलों की 10 से कम है। ऐसी 90 कॉलोनी और ये अप्रूव की जाती हैं, इनका विकास कार्य के नाते से इसकी योजना ये बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही टाउन कंट्री प्लानिंग, इनकी भी 100 कॉलोनी इनको अप्रूव किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी संख्या है, अम्बाला 11, भिवानी 3, कुरुक्षेत्र 29, सिरसा 10, यमुनानगर 47, तो ऐसे 5 जिले हैं जिनकी ये अभी और की जा रही है। टाउन कंट्री प्लानिंग की अभी भी जो इन्होंने जनवरी 24 तक का टारगेट लिया हुआ है, 471 कॉलोनी और है टाउन कंट्री प्लानिंग की, जो अभी अप्रूव जनवरी 24 तक करने का प्रयत्न किया जाएगा। ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज ने भी, इनकी थोड़ा संख्या में ज्यादा है, क्योंकि एक काफी बड़ी मात्रा में जो पिछली कॉलोनी बहुत पहले अप्रूव हुई थी कांग्रेस के टाइम पर, उन लोगों ने पूरी कॉलोनी को अप्रूव करके बीच बीच में दो दो तीन तीन चार चार एकड़ का एरिया खाली छोड़ दिया। अब वो प्राइवेट है कि किसी और का है, सरकारी है, लेकिन मकान बाद में बन गए हैं, उनको अप्रूव किया नहीं। उनको लगता है हमारी कॉलोनी अप्रूव है तो शायद हम भी अप्रूव है, लेकिन जब अब बनाने शुरू करी प्रॉपर्टी आईडी तो निकल के आए तो ये इन्होंने अनअप्रूव छोड़ा हुआ है। ऐसे सब भी 800 कॉलोनी पुरानी है जहां पैचेस छूटे हुए हैं, और इसके अलावा भी कुछ लगभग ऐसी 800 कॉलोनी और ऐसी होंगी जो हमने बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन कराया था, वो भी शायद उसमें से ये निकल जाएंगी 90। तो
उनको भी जनवरी कहते हैं 31 दोनों कर देंगे तब भी ठीक है, और इसमें कोई आचार संहिता नहीं लगने वाली, चिंता मत करो, ये तो रेगुलर काम है। लेकिन जनवरी में सब हो जाए ताकि हम बाकी समय में उनके जो काम है डेवलपमेंट के उनको सब कराएं। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर दिया है। राज्य के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया जा रहा है। अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% हो गया है। साथ ही सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने नई पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया है। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत जिन लोगों की जमीन में 75 साल से ज्यादा की आयु के पेड़ होंगे उनको पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3,810 पेड़ों की पेंशन शुरू की गई है और सालाना 2,750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने और भी कई ऐलान किए हैं। 9 सालों में किसानों को 11,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कांग्रेस सरकार ने 10 सालों में 1,158 करोड़ मुआवजा दिया। छह मेडिकल कॉलेजेस की तुलना में 15 मेडिकल कॉलेज। 8 और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। एमबीबीएस की सीटों को 700 से बढ़ाकर 2,185 किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 2,750 रुपया प्रति महीना की गई है। राज्य में 6 टोल टैक्स बैरियर बंद करने का ऐलान किया गया है। 21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। हरियाणा के विकास में भी ई क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जनहित के काम किए जा रहे हैं। 9 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी हमने। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे। डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है, और 1,182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता वो उसमें से बचत हुई है। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। परिवार पहचान पत्र एक, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 1-20 से बढ़ा के 1-80 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का योजना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना, 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना, ई लर्निंग के लिए
5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है, हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा में बीते 9 सालों में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। 9 साल बेमिसाल, सूबे के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हुआ है, जल्द उड़ान भी शुरू हो जाएगी, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का आगाज हो रहा है, रोहतक में मेट्रो के तर्ज पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, पानीपत में डाहर सहकारी चीनी मिल, अंबाला में 1857 के शहीदों की याद में स्मारक बन रहा है, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। सीएम मनोहर लाल ने नगर पालिका के कर्मचारियों को सौगात दी है। नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों का मानदेय बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। पहले मेयर को जहां 20,500 रुपए मासिक मानदेय मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,500 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं नगर समितियों के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के, पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है, उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपए महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 अक्टूबर से की मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, उनको आश्वासन दे दिया था, ठीक है, एक महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का, 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1,600 से 3,000, इस प्रकार से इनका ये। सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था, ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉरपोरेशन में। देन म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्यूनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8, इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबका मानदेय है, इसको भी उन्हें बढ़ाया है। अगले साल लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में विकास का काम हो या फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को बीते 9 सालों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है और लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बीते 9 सालों के शासन में हरियाणा ने विकास के
कई ऊंचाइयों को छुआ है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और नगर पालिका के कर्मचारियों को सौगात इसी कड़ी में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।